आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी जी के बारे में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर विश्व का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु श्री पद्मनाभ स्वामी जी के रूप में पूजे जाते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु की दिव्यता और भव्यता का बोध कराता है। हिंदुओं के इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के बारे में मान्यता है कि यहाँ संत कवि नाममालवर जी को भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति के दर्शन प्राप्त हुए थे, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया। यह मंदिर अपने गुप्त तहखानों और खजानों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु का ये मंदिर 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के कुछ हिंदू ग्रंथों में मिलता है। यह विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत के दिव्य देशम के नाम से भी जाना जाता है। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान माना गया है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है, जहां भगवान विष्णु की मुख्य मूर्ति मौजूद है, जो लगभग 18 फीट लंबी है, जो 5 मुख वाले अनंत नाम के सर्प पर शाश्वत योग की एक झुकी हुई मुद्रा में विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति अपने दाहिने हाथ से एक शिवलिंग को छू रही है, और वहीं भगवान ब्रह्मा की मूर्ति भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर विराजमान है। भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को ही पद्मनाभ कहा जाता है। केवल हिंदुओं को ही इस मंदिर में प्रवेश मिलता है। इसके लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पीठासीन देवता की मूर्ति इसके निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसमें 2008 शालिग्राम शिलाओं का इस्तेमाल किया गया है, जो नेपाल की गंडकी नदी के तट से लाए गए थे। गर्भगृह तक जाने पर हमें 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे से भगवान नारायण के सिर और छाती को देखा जा सकता है, जबकि हाथों को 2रे दरवाजे से और पैरों को 3रे दरवाजे से देखा जा सकता है। मंदिर के 7 तहखानों का रहस्य। यह मंदिर अपने गुप्त तहखानों और खजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 7 तहखाने हैं, जो भगवान विष्णु के मंदिर के ठीक नीचे स्थित हैं। इन 7 तहखानों को चेंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी का नाम दिया गया है। जून 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब इन तहखानों को खोला गया, तब यहाँ मिलने वाले खजाने ने सबको हैरान कर दिया, जिसमें शुद्ध सोने के सिक्के, मोहरे, आभूषण आदि प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त हीरे, मोती, रत्न, सोने के बर्तन, सोने के मुकुट, मूर्तियां आदि भी शामिल थे। चौंकाने वाली बात ये थी कि यहाँ 28 किलोग्राम का एक बैग भी मिला, जिसमें 7 अलग-अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के थे, जिसमें नेपोलियन के समय के और इटालियन सिक्के भी थे। चेंबर भी तहखाने को छोड़कर बाकी के सभी 6 तहखाने खोले जा चुके हैं। सभी तहखानों से अपार धन सोना चांदी प्राप्त हुआ, जिसकी अनुमानता कीमत लगभग 1 लाख करोड़ बताई गई है। मंदिर का 7वां तहखाना, जिसे चेंबर भी कहा जाता है, दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस तहखाने में 3 दरवाजे हैं। पहला लोहे की छड़ों का, दूसरा लकड़ी का तथा तीसरा सबसे मजबूत लोहे का दरवाजा है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दरवाजे में ना कोई पेंच है, ना बोल्ट है, ना कोई कुंडी है और ना ही कोई ताला है। प्रवेश द्वार पर 2 नागों के चित्र बने हुए हैं। कहा जाता है कि यह नाग ही इस तहखाने का संरक्षण करते हैं। माना जाता है कि इस तहखाने का दरवाजा अष्टनाग बंधन मंत्र के द्वारा बंद किया गया था, जिसे कोई नहीं जानता। इसे केवल गरुड़ मंत्र के स्पष्ट मंत्रोच्चारण के द्वारा ही खोला जा सकता है। माना जाता है कि उसे केवल कोई महान नारायण भक्त ही खोल सकता है। कई विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वे सभी विफल रहे। आज की तारीख में जो इस दरवाजे को खोल सके, ऐसा कोई सिद्ध पुरुष पूरी धरती पर मौजूद नहीं है। यह भी माना जाता है कि दरवाजे के पीछे महाभारत कालीन दिव्य अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगर किसी ने भी आधुनिक मानव निर्मित तकनीक
या दूसरे मानव प्रयासों से इसे खोलने या ऐसा करने की कोशिश की तो मंदिर नष्ट हो सकता है और जिससे प्रलय भी आ सकती है, जिस कारण से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चेंबर बी को खोलने पर रोक लगा रखी है। जीर्णोद्धार। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास करीब 2000 वर्ष पुराना है। इतिहास में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कई राजाओं द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप अब मौजूद है उसका पुनर्निर्माण त्रावणकोर के सम्राट मार्तंड वर्मा द्वारा सन 1733 में किया गया था। यह मंदिर शुरू में लकड़ी का बना था लेकिन बाद में इसे ग्रेनाइट से बनाया गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के निर्माण कार्य में इसकी वास्तुकला और शैली पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया था। महाराज मार्तंड वर्मा ने 1750 में अपनी संपत्ति और सब कुछ भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। उन्होंने इस मंदिर में मुराजपम और भद्रदीपम जैसे प्रसिद्ध त्योहारों की शुरुआत की थी। महाराज मार्तंड वर्मा ने अपने आप को भगवान का दास बताया और कहा जाता है कि तब से ही इस मंदिर की देखरेख महाराज मार्तंड वर्मा का राजघराना कर रहा है। वास्तुकला। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के निर्माण कार्य में इसकी वास्तुकला और शैली पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया था, जिसके चलते इसे दक्षिण भारत के बेहतरीन वास्तुकला के उदाहरणों में शुमार किया जाता है। इस मंदिर का निर्माण मुख्यतः केरल की देसी चेर शैली और द्रविड़ शैलियों को समायोजित करके किया गया था। मंदिर के समीप ही एक सरोवर है जिसे पद्मतीर्थ कुलम कहा जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की सबसे सुंदर विशेषता है इसके मंडप। पूर्वी हिस्से से लेकर गर्भगृह तक एक गलियारा है जिसमें ग्रेनाइट के पत्थरों से बने खंभों पर मन भावन शिल्पकारी की गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।